ओंकार पर्वत का परिक्रमा मार्ग मिट्टी डालकर बंद करने के विरोध में प्रशासन को चेतावनी देने के बाद नाविक संघ ने नौकाओं का चालान बंद कर बर्फानी धाम के पास परिवार सहित धरना दिया। नाविकों का कहना है कि ओंकार पर्वत की परिक्रमा से नाविकों को जो आय होती थी वह बंद हो गई। केवल घाट पर नौका चलाने से पर्याप्त आय नहीं हो पा रही है, जिससे घर का खर्चा चलाने में मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि ओंकार पर्वत पर अष्ट धातु से निर्मित आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल मूर्ति स्थापित होने जा रही है, इसलिए वाहनों के आवागमन के लिए नर्मदा नदी में मलबा डालकर अस्थायी पुल बनाया गया है। 3 माह तक यह अस्थायी पुल रहेगा, जब तक पर्वत पर रोड एवं अन्य निर्माण कार्य चलेंगे। नाविक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन देते हुए मांग की है कि जब तक परिक्रमा मार्ग बंद रखा है, तब तक नाविकों के प्रति परिवार को एक निश्चित सहयोग राशि प्रतिदिन प्रदान की जाए। साथ ही प्रशासन यह लिख कर दे, कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी पत्थर को हटाकर मार्ग को सुलभ बना दिया जाएगा। नाविक संघ अध्यक्ष भोला केवट, दीपू केवट, कैलाश भवरिया और कड़वा वर्मा ने जानकारी दी और कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक धरना आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम भोलाराम केवट है, नाविक संघ अध्यक्ष जी। बताइए क्या है मामला? हमारी मेन मांग तो है कि जो परिक्रमा मार्ग हमारा अवरुद्ध करा है कंपनी द्वारा, वो मार्ग हमारा सुलभ करके खोला जाए और पूर्णतः हमारी परिक्रमा नावे संचालन हो जी। और जितने दिन हमारी नावें बंद रहेगी उतने दिन का भुगतान कंपनी करे, राज्य सरकार करे और या यहाँ के जनप्रतिनिधि करे। ठीक है भाई। मैं राजेश वर्मा नाविक संघ से हूँ। हम आज यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, जो हमारे अध्यक्ष महोदय निर्धारित समय किया गया था 6 तारीख करीब गुरुवार से, तो आज हम सभी लोग हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व से यहाँ आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जब जब ओंकारेश्वर में विकास हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से नाविक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, डैम बना तो नाविक प्रभावित हुआ है, 2 पुल बने, झूला पुल बना तो नाविक प्रभावित हुआ है। आज ये तीसरी जगह, ये यहाँ 2 पुल एक साथ, आप देख सकते हो 2 पुलों का निर्माण एक साथ हुआ है। एजेंसी के द्वारा हम लोगों से बात भी की गई थी, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है उन लोगों के द्वारा कि 3 महीने के लिए आपका परिक्रमा मार्ग बंद रहेगा, उसके बाद सुचारू रूप से हम इसको व्यवस्थित चलाएंगे। तो हमारा ये प्रमुख मुद्दा यही है कि 3 महीने के लिए अगर हम प्रभावित हो रहे, बेरोजगार हो रहे, तो इसका खामियाजा भुगतेगा कौन? या हमारे परिवारों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, कोरोना काल के समय से अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है, उसके बाद हम अगर 3 महीने के लिए हमारा रोजगार छोड़ते हैं, तो इसका खामियाजा कौन होगा? ओंकारेश्वर से राकेश पुरोहित की रिपोर्ट।